कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ये गोभी का खेत है, ये ताज़ी गोभी लगी हुई है, हम तोड़ने आए हैं आज। गोभी पका के पकाना दिखाएंगे आपको। ये देखें, ये गोभी लगी हुई है, कुछ तोड़ दिए उन्होंने कुछ दार हमारे रंग। ये देखें अल्लाह की शान, देखें इसको हम काटेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखें कि अल्लाह की शान देखें। यहाँ पे पानी, साफ पानी लगता है, ताज़ी सब्जियाँ लगती हैं। आपको दूसरी सब्जियाँ भी दिखाएंगे, हर सब्जी लगाते हैं यहाँ पे। बस बोलूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये खड़े हैं, देखें सब्जियां उगाते हैं, मलिक शफी इनका नाम है। ये साफ पानी लगाते हैं, हर सब्जी उगाते हैं। आप सारी सब्जियों से इसमें इनको इमरान खान बुलाएं तो ये बहुत गुस्सा करते हैं। फैज टाउन की बैंक साइड पे सारा देहाती माहौल है, घास लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सब्जादार मौसम है। हालात हैं यहाँ पे चलने के फिरने के। ये भिंडियाँ, वो चकोतरे लगे हुए हैं, टींडे लगे हुए हैं, ये चंद 15 दिन में तैयार हो जाएंगे, फिर आप उनकी वीडियो देख। हाँ तो दोस्तों, हम गोभी तोड़ के ले आए हैं, घर में पहुँच चुके हैं, तो हमने हाथ धो लिए हैं और गोभी जो है हम इसको काटेंगे। ताज़ा और फ्रेश गोभी, ये बादी होती है, इसमें पकाते हुए अदरक आप ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। आप देखें, इसको हमने धो के एक दफ़ा वॉश किया, एक दफ़ा हमने हाथ धोए हैं, बाद काट के फिर धोएंगे एक दफ़ा। इस तरह करके आपने इसको अलग से कर लेना है। ये देखें, इस तरह करके अलग अलग करके आपने बारीक बारीक काट लेना। देखें कितनी ताज़ी और सफ़ेद सफ़ेद फ्रेश है। और अगर इसमें कोई अच्छी तरीके से इसको धोएंगे, जब हाथ धोएंगे फिर इसको देखना भी है, इसमें बाज़ों का कीड़े भी होते हैं। इसमें कीड़े नहीं हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी। देखें ये, देखें बच्ची मेरी काटने नहीं दे रही है, बहुत तंग कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों का महीना है तो आज छठा रोज़ा है, मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, आपने भी रखा होगा, और बहुत मज़ा आ रहा है। रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना इतनी सर्दी है, बारिश हुई थी बीच में, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, रोज़े का महसूस भी नहीं होता, प्यास भी नहीं लगती। तो आप लोग भी रोज़े रखें, कोशिश करें, जो नहीं रख रहे वो भी रखें, अपनी तरतीब बनाएं रोज़ों की। जी तो मैं ये काट लूँ, फिर आपसे मैं किचन में मिलता हूँ। तो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चें, और हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे। जी तो हमारा ये मसाला जैसे भून चुका है, इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, नमक डाल देंगे हम, और एक चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच हम सूखा धनिया डाल देंगे, एक चम्मच हम मिर्च डाल देंगे, ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसको इसके अंदर गोभी डालेंगे। ये हमने गोभी को काट के अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया, आलू भी काट लिए,
उसने बाद देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार जानदार। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ ही गैस का भी इशू होता है, एक घंटे के लिए गैस आता है, दो घंटे के लिए गैस आता है। हम साथ साथ बच्चों ने भी रोज़े रखे हुए हैं, हमने भी रोज़े रखे हुए हैं, तो रोज़ों के लिए समोसे पकौड़े और वो दही वजह साथ साथ वो भी तैयारी कर रहे हैं। टाइम इतना नहीं होता, टाइम गुजरते पता भी नहीं लगता, असर के बाद तो रोज़े का टाइम शुरू हो जाता है बस। ये हम अभी बोनी लग चुकी है, इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। हाँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी गोभी का सालन तैयार हो चुका है। देखें पानी भी खुश्क हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। और हम अभी से डिश आउट करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था असर की, तो रोज़ा रखते हैं उसके साथ नमाज भी पढ़नी चाहिए, तो फिर उस तरह रोज़े का क्या फ़ायदा जब हम नमाज छोड़ दें। काम तो नहीं ख़त्म होते, हमने सब चीज़ों को हमने नज़र रखना होता है कि हमने समोसे भी बना रहे हैं, अफ्तारी का सामान भी बना रहे हैं, गैस भी कम होता है। तो ये हम गर्म मसाला और काली मिर्चों की एक एक चुटकी हम डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करके डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? बहुत ही प्यारी है, देखें तो बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें अगली डिश के लिए। अल्लाह हाफिज़।